अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइव ब्लॉग चैनल। कल ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कल जो है ना कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, बस यही वजह थी, ठीक है ना। तो कल कोई वीडियो आई ना को, क्योंकि वीडियो भी नहीं थी है न्यू, कोई भी वीडियो नहीं थी बनाई, तो उस वजह से जो है ना कल जो है ना मौसम ठीक था। कल शीट्स वगैरह उठा दी थी मैंने, कहा चलो अच्छे से हवा लग जाए, फिर इनकी जो है ना टेक्सचर्स की हम आज नेक्स्ट डे क्रम्बलिंग कर लेंगे। आज जो है ना मैंने इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग की है, बड़ी मज़े की क्रम्बलिंग हुई है, ठीक है। और उसके साथ जो है ना मैंने इसकी फ्लोर मिक्सिंग भी की है, वो फ्लोर मिक्सिंग ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, तो वो भी अच्छी है। जो ड्राई क्रम्बलिंग है, फ्लोर क्रम्बलिंग, वो भी, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट आती है, इफ़त की, इफ़त वो बोल रही थी आप रिप्लाई क्यों नहीं करी। अच्छा तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो जल्दी से जो है ना वो क्लियर कर दूं कि मैं मैसेज डिलीट नहीं करती। आप कोई भी कमेंट करते हो, मैंने कभी भी किसी का कोई मैसेज या कमेंट डिलीट नहीं किया। भाई मुझे क्या ज़रूरत है कि किसी का कमेंट डिलीट करने की, ऐसा बिल्कुल भी सोचा ना करें। मे बी वो यूट्यूब डिलीट कर देता हो या खुद ब खुद डिलीट होता हो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है। नहीं तो मैंने तो सबके आंस देने होते हैं, तो मैंने क्यों किसी का कमेंट इस तरह से डिलीट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ जो है ना वो मौसम का इशू की वजह से नेट इशू हो रहा था, और दूसरा ये कि मोबाइल बड़ा ही हीटअप हो रहा था इन मौसम में। आपको पता है हब्बस का मौसम है, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से। अब यहाँ पर आपको डिटेल दे देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना वो पढ़ाई होने लगी है, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं, अब जितनी वीडियोस बन सकी है ना बना लो, एक ये वीडियो बन सकी है और दूसरी जो है ना मेरी ये वाली वीडियो बन सकी है, ठीक है। आज जो है ना मेरी दो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बर्थडे है। सबसे पहले तो एक मेरी सब्सक्राइबर है माही माही, वो उनकी आज 1 अगस्त है, तो उनकी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। और एक है आमिना खान, हैप्पी बर्थडे टू मेरी जान, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और ढेरों खुशियां आपके नसीबों में लिख दे, और कभी भी आपको कोई परेशानी या कुछ भी ना आए। साइमा, दूसरी बात ये है कि साइमा कहती हैं कि आपको जो है ना मैंने जो है ना वो दवा सिखाई है, तो आप देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आपका। सच में मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी दुआएं और आप लोगों का इतना प्यार, थैंक यू सो मच। शायद मुझे इतना प्यार ऐसे ना मिलता। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं आज इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग करूँ, लेकिन जो है ना आपके सामने ही है कि कंडीशन ऐसी है कि मैं नहीं कर सकती, और छत के हालात भी कुछ ना अजीब ही हुए हैं, समझ से बाहर है। अच्छा सबसे मज़े का चंक जो है ना ये लगा है मुझे, आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देख के ना। मम्मा ने निकाला तो एज इट इज़ निकला है, मैं निकालती तो शायद मुझसे ना निकलता और ना ही संभलता, लेकिन मम्मा ने निकाल दिया, बड़ा अच्छा निकला। उसके बाद ये देखें, ये जो है ना आमिना खान मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि बकेट में क्रम्बलिंग कर दो इस टेक्सचर की ना, तो मैंने कहा था मैं कर दूँगी, लेकिन मसला ये हुआ है कि मैंने इसको इसलिए क्रम्बल नहीं किया, एक तो शोर होने लग गया, दूसरा ये बकेट फ्री नहीं है, वाइट बकेट, ठीक है। तो वो जैसे ही फ्री होगी तो मैं आपके लिए भी वीडियो जो है ना वो बना दूंगी, सही है। आमिना थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, अब मुझे नहीं पता वो आमिना खान थी या दूसरी कोई आमिना थी, सही हो गया। मुल्तानी मिट्टी को मैंने उसमें बकेट में निकाल कर रख दिया, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो गई थी इस वजह से। तो अब करते हैं क्रम्बलिंग, आज जो है ना हम थोड़ी सी क्रम्बलिंग करते हैं। मम्मा जो है ना, मम्मा भी यहाँ पर ही हैं, तो मम्मा को बुलाते हैं और मम्मा से क्रम्बलिंग कराते हैं आज। वालेकुम अस्सलाम, ये वाले की, हाँ वाइट वाले की। मामा से जो है ना वो हो जाती है क्रम्बलिंग इसकी, बाकी लगता है सही ही होगा ये वाला। ये वाली कर दो। मैं कैसे करूँ? अच्छा वो जो सही है ना मम्मा की थी वो वाला मुझे दे दो, और ये वाली काट दो। चलो जान लगाते हैं, वो दफा करो इसको, इसको क्रश करना पड़ेगा हमें, बस वो बाछों की वजह से ना। आप भी वीडियो नहीं थी बना रही, अब मम्मा के चैनल पर जो है ना वो रूटीन से वीडियोस आया करेंगी, सो आप लोगों ने स्किप नहीं करना और उनकी वीडियोस लास्ट में देखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना मम्मा भी कोशिश कर रही हैं कि मैं जो है ना वो रूटीन से वीडियोस रिकॉर्ड करूं और अपलोड करूं। ओके मम्मा, आज माहम और आमिना की बर्थडे है, आप उनको विश कर दें। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी ऊँची बोले ऊँची
हैप्पी बर्थडे टू यू जी, आपको अल्लाह ताला ढेरों सारी खुशियां अता करें आमीन, और आपकी जिंदगी में बार बार यकीन आए आमीन सुम आमीन। ठीक है, सुन लिया आपने। और एक और जो है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बोला था कि मेरी मम्मा को, मम्मा की डेथ हो गई है, तो आप काइंडली जो है ना अपने ब्लॉग में उनका ना, उनको, उनके लिए जो है ना फातिहा कर दें। तो मैं यही कहूँगी कि सभी जो है ना, जो जो भी देख रहा है मुस्लिम्स, ठीक है, वो एक दफ़ा कुलशरीफ पढ़ के, और तीन दफ़ा कुलशरीफ और एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, तो आप लोग जो है ना उनको रसाले स्वाब कर दें। मैंने भी कर दिया था, ठीक है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे, आमीन सो आमीन। उसके अलावा मैंने दो तीन कमेंट्स रीड किए थे, मुझे अभी जो है ना वो मेरे दिमाग में बात आई है लेकिन वो निकल गई है, लेकिन कोई गल नहीं। अच्छा हाँ, वो जो मुझे, मैंने बोला था ना कि हम कुछ नया करेंगे कुछ नया करेंगे, तो मुझे काफ़ी सारे सजेशंस मिले हैं, वो बड़ी वही सजेशंस जो है ना बड़ी काम की हैं, बड़ी अच्छी हैं, और ये चीज़ मैंने भी सोची थी, तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगी, लास्ट में वो चीज़ करूँगी, ठीक है। बस थोड़ा सा मौसम जो है ना ये हमारा साथ दे दे, फिर जो है ना इंशाल्लाह वही कुछ होगा, ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे। क्रमलिंग जो है ना ये फोर है, ये वाली हम इसकी करते हैं, जगह नीचे से साफ करके ना, ये नीचे मड्डी है सारी, दफा करें उसको, उसको मैं दोबारा से ना करूँगी सॉफ्ट। अच्छा ये जो है ना, इसमें ना वो है सैंड ज़्यादा, सीधे हाथ से नहीं होती, और उल्टे हाथ से क्रमलिंग भी ज़्यादा अच्छी होती। उस दिन प्योर मड की क्रमलिंग किसको किसको पसंद आई थी मुझे लास्ट में बताइएगा कमेंट करके, जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था। और मेरी एक और सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कुछ कहा था, तो मैंने कहा था मैंने आपके लिए स्पेशली जो है ना वो नेम लेके, तो आपको रिप्लाई किया था लेकिन आपने शायद देखा नहीं है, तो मैंने जो है ना वो उनको कमेंट भी कर दिया था। और उसके बाद वली हारून, अल्लाह ताला आपको जो है ना वो नेक सालिया बेटा अता करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मम्मा जो है ना वो भी आपके लिए दुआ करते हैं। मम्मा एक वली हारून सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना अपनी मम्मा से दुआ कराइएगा, उनके अम्मी अब्बू नहीं है, तो वो कह रहे थे कि वो भी मेरी माँ है, तो उनसे जो है ना वो लाजमी दुआ कराइएगा कि अल्लाह ताला उनको जो है ना बेटा अता करे, अल्लाह पाक उनको बेटा अता करे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता करे, देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेटा देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी तरह से बस अपना प्यार दीजिएगा और इसी तरह से जो है ना वो सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। अब कल से जो है ना वो आप सभी को जो है ना वो टाइम से जो है आपके कमेंट्स के जो है ना वो जवाब में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मौसम ठीक हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का, आज तो ठीक ही है, लेकिन हवा गर्मी इतनी है, शदीद गर्मी है कि हवा बिल्कुल नहीं है। मामा क्या कर रही है? अच्छा मामा खेलती खेलती सारा क्रम्बल भी कर लेती है। इधर को जाऊँ अब, इधर ये कर ले थोड़ी सी, आप दौड़ लगाती हो वो जल्दी से वो करके, तो बस जल्दी से इधर आऊँ। सभी लोग जो है ना वो ग्रीडी टेक्सचर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ, बस ड्राई हो जाए थोड़े से तो फिर मैं उसकी भी व्लॉग में जो है ना ज़्यादा सारी क्रमलिंग करूँगी एक पूरे टेक्सचर की इंशाल्लाह। बहुत सी रिक्वेस्टेड जो है ना वो वीडियोस हैं, और दूसरा ये कि व्लॉग में भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो अलीशा की बर्थडे थी, मुझे नहीं पता था मेरी जान आपकी बर्थडे, और ना मैंने कमेंट रीड किया था, तो बर्थडे तो आपकी गुजर गई है, 28 जुलाई थी। तो मैं अभी आपको जो है ना वो विश कर रही हूँ कि मैंने अभी देख, कल रात को देखा था, तो मैं अभी आपको बोल रही हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आपकी उम्र जो है वो सलाम, आपको लंबी उम्र अता करे और आपको सलामत रखे, ठीक है। अच्छा जी मड की क्रमलिंग करते हैं,
थोड़ी सी मटकी क्रमलिंग, देन हम जो है ना व्लॉग को एंड करते हैं। हाँ जी, बाकी सारे जो है ना वो ऐ देखो ऐ ही बस सही है, बाकी सारे जो है ना वो ड्राई नहीं है, वेस्ट है। इसमें करते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन ही ये थर्मल शीट होती है, मेरे मुँह से पॉलीथीन निकलता है। हाँ 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 हाँ, मम्मा ने ना इसमें वो रेड डर्ट का ना प्योर मर्ड रेड डर्ट, मर्ड डर्ट जो रेड वाली उसका वो डाला हुआ पेस्ट, इसके ऊपर करते हैं। ताकि ये ड्राई हो जाए। हाँ, मुझे उन्होंने रुबाबी ने कहा कि इसके ऊपर ड्राई पाउडर स्प्रिंकल किया करें ताकि ये जल्द से जल्द ड्राई हो, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसे ही करूँगी। अब ऐसे होता है, जल्दी ड्राई हो जाता है टेक्सचर, जितनी जल्दी सेट होता है उतनी जल्दी ड्राई होता है। मैंने इसके ऊपर डाल दिया ना, अब ये जल्दी सेट हो जाएगा और जल्दी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, मम्मा बनाने में और मैं तोड़ने में, एक दफा हाथ में आ जाए बस दिल करते तोड़ते जाओ। अच्छा, एक और आंस करना था। साइमा वो कह रही थी कि आपके टेक्सचर में जो है ना वो इतनी मेहनत नज़र नहीं आती, आप उसमें कलर्स और ग्रीटी कलर ऐड कर देती हैं और कंक्रीट ऐड कर देती हैं, तो इस तरह से सारे ही बनाते हैं, आपने दूसरों से सीखा। तो ज़ाहिर बात है, मैं कौन सी सबसे पहले जो है ना वो कम्युनिटी में आई हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ग्रीटी टेक्सचर्स बनाए हैं या जो भी बनाए हैं ना, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि सबके टेक्सचर जो हैं वो एक जैसे नहीं है, लाइक मेरे टेक्सचर जो हैं वो सिमिलर नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ उसमें अलग ऐड किया होता है, ठीक है। कंक्रीट वगैरह तो ज़ाहिर बात है सबके पास ही है, ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है। अब किसी के टेक्सचर्स इतने ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी और डस्टी होते हैं और किसी के अंदर टेक्सचर्स जो हैं इतने डस्टी नहीं होते, लाइक मेरे जो। एक और चीज़ ये कि किसी ने कहा था कि ये रेडेड तो सारे ही बनाते हैं, तो कोई अनोखी बात नहीं है और तुम अनोखी नहीं हो, तो मैंने ये नहीं कहा था कि सबसे पहले मैंने ही बनाई है। मैंने ये कहा था कि मैंने खुद क्रश किया है, ना किसी को लगाया, अपने घर वालों में से किसी को भी नहीं बनाया, तो ये मेहनत से मैंने जो है ना वो क्रश करके तो बनाई है, इसलिए मेरा फेवरेट है, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो है ना वो बात थी, वो ये थी कि हाँ, टेक्सचर्स को जो है ना वो बनाना या टेक्सचर्स को बनाना या फिर सेम तरह से या कलर उसमें ऐड करना, मैंने इस वैसे तो एक आधा टेक्सचर है जिसमें इसमें बस कलर ऐड किया और तो किसी टेक्सचर में कलर नहीं ऐड किया। टेक्सचर जो है वो बनाना काम नहीं रखता, उनको संभालना काम रखता है। तो ये चीज़ जो है ना मैं सभी को बोलूँगी, और कौन कौन इस बात को एग्री करता है वो मुझे लाजमी बताइएगा। हमें पता है कि हम उस टेक्सचर्स को कैसे संभालते हैं और किस तरह से रखते हैं, और मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी है कि मेरे टेक्सचर्स जो है ना आज भी अपने कलर्स पे हैं, यानी उनमें कभी कोई कलर की ख़राबी नहीं हुई, आज भी वो जो है ना उसी तरह से हैं जैसे वो फर्स्ट डे से थे। तो ये चीज़ जो है मैं आप सभी को जो है ना वो क्लियर करूँगी। जैसे रेड बाज जो है ना वो रेड डर्ट का कलर ख़राब हो जाता है, टेक्सचर्स आपस में मिल जाते हैं या कुछ इस तरह से है, लेकिन मैंने अपने टेक्सचर्स को इतने अच्छे से संभाला है जो कि मेरे लिए जो है ना वो खुशी की बात है। और मैं जो है वो किसी की बात को जो है ना वो दिल पर नहीं ले रही, जस्ट एक जो है ना वो आंस कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं कोई गुस्से से इस चीज़ का जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि टेक्सचर्स को जो है ना बनाना कोई आसान बनाना कोई जो है ना वो मुश्किल नहीं है, कोई काम नहीं लगता, उनको संभालना काम लगता है, ठीक है। ये देखें ना, प्योर मर्ड मैंने कितनी सारी बनाई है, तो इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, जो बनाती है ना उनको पता है कि इसको बनाने में कैसे मेहनत लगी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसको संभालने में मेहनत है, क्योंकि ये टेक्सचर ऐसा है कि ये मिनट में जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। ज़रा सी इसके ऊपर आप जो है ना एक दिन के लिए छोड़ दें आप इसको और बारिश में, तो आपको ये नेक्स्ट डे नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। और जिस कदर बारिशें हुई हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने इनको संभाला ना होता तो ये आज नज़र आ रहे होते।
सो ये थी आज की टॉपिक पे बात, और होप सो कि आप सभी को जो है वो समझ आ गई होगी। मैं कोई बहस नहीं करी किसी के साथ, जस्ट जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। अब इस ट्रैक्टर की बारी, फिर से देखते हैं कब आती है। तो करते हैं यहीं पे ब्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।